गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन यूनिक स्कूल सीकर। इन प्रीवियस क्लास वी वर स्टडीड अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, बट आफ्टर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लेवोजियर और जेल प्राउस्ट इन फ्रंट ऑफ ए प्रॉब्लम एंड दीज प्रॉब्लम्स आर कि इनका जो अप्रोप्रिएट जो एक्सप्लेनेशन है, जो भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए गए, इसके बाद में साइंटिस्ट के सामने एक प्रॉब्लम फेस हुई कि इनका जो अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया? डू नॉट गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो आफ्टर देन जॉन डॉल्टन गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय द यूजिंग ऑफ द यूजिंग अवर थ्योरी एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इट मींस उसने अपनी जो एटॉमिक थ्योरी दी जॉन डॉल्टन ने, वो कम्प्लीटली किस पर बेस्ड दी? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड दी। ठीक है, यानी जो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, उसके बेस पर उन्होंने अपनी जो थ्योरी है एटोमिक बॉस एटोमिक थ्योरी, उस एटोमिक थ्योरी को पोस्टुलेट किया। उस एटोमिक थ्योरी के लिए उन्होंने किसको चूज किया? उन्होंने चूज किया एटम का। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि एटम जो है वो एक क्या है? इनडिविजिबल पार्ट है, यानी जिसको और अधिक क्या नहीं किया जा सकता, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब जब उसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, डू नॉट फर्दर डिवाइड एटम, तो उन्होंने उसके लिए क्या दी? अपनी एटॉमिक थ्योरी। क्या दी? एटॉमिक थ्योरी दी। अब इस एटॉमिक थ्योरी के अंदर क्या कहा गया? देखो, एटॉमिक थ्योरी में जॉन डॉल्टन ने सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये थ्योरी कब दी गई, 1808 में, इट मीन्स 19th सेंचुरी के फर्स्ट में क्या दी गई? एटॉमिक थ्योरी दी गई। अब इस एटॉमिक थ्योरी के अंदर मेनली इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि जॉन डॉल्टन ने कहा क्या? जॉन डॉल्टन ने कहा कि एटम जो है ये इनडिविजिबल पार्ट है। जॉन डॉल्टन ने क्या कहा कि एटम जो है ये क्या है? इनडिविजिबल पार्ट है, और ऑल जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है या जो मिक्सचर है, सभी किससे मेडअप होते हैं? एटम से मेडअप होते हैं। फर्स्टली उन्होंने क्या कहा कि ऑल एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सर्स आर कंपोज्ड बाय एटम। ओके, ये बात इसने किसने कही? जॉन डॉल्टन ने। अब देखो, जॉन डॉल्टन जो है उन्होंने अपनी जो थ्योरी है उस थ्योरी के अंदर क्या स्टेट किया, अपन ये देखते हैं। जॉन डॉल्टन स्टेट दैट, फर्स्टली इन्होंने क्या कहा कि एटम, या अपन ये कहें कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, कि ऑल मैटर यानी कि अपन ने अभी पढ़ा था, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, ठीक है, मिक्सचर हो गया, कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, ऑल मैटर जो है वो मेड अप होते हैं टीनी पार्टिकल्स से, और उन टीनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, फर्स्ट हो गया। सेकंड इसने बात क्या कही? सेकंड इसने कहा कि एटम्स
आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, यानी जिसको क्या नहीं किया जा सकता, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ओके, टू पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि जो भी एलिमेंट या अपन ये कहें कि जो भी एटम्स हैं, ठीक है, कोई भी जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का क्या होता है, एटम होता है। तो इसने क्या कहा, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फोर्थ पॉइंट टोटली ऑपोजिट ऑफ दिस थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया फोर्थ पॉइंट में, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी यहां डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के क्या है, एटम्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो क्या होंगे, हैव डिफरेंट इन एटॉमिक मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि एटम्स जो हैं, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ओके, एटम्स कंबाइन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल होल नंबर। एटम्स जो है वो, मैंने आपको जब अपन एग्जांपल पढ़ रहे थे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि किस में जो रेशियो वो किस में लिखा जाता है, किस में राइट किया जाता है, होल नंबर में राइट किया जाता है, ठीक है। तो स्मॉल होल नंबर में ही एटम्स होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड। इसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट, द रिलेटिव नंबर एंड मासेज, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिलेटिव नंबर एंड या फिर अपन कहें और काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो देखो, द रिलेटिव, और यहां पर रिलेटिव किसके, रिलेटिव किसकी बात कर रही है, रिलेटिव नंबर ऑफ मासेज, ठीक है, और एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, यानी कि जो भी एटम्स हैं उसके रिलेटिव नंबर और जो काइंड्स हैं, ये काइंड्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, कहां पर, इन ए गिवन कंपाउंड। ओके, आर कॉन्स्टेंट इन गिवन कंपाउंड, ये सिक्स पॉइंट है।
सिक्स पॉइंट किसके हैं? एटॉमिक थ्योरी के सिक्स पॉइंट हैं। और ये जो सिक्स पॉइंट है, ये सिक्स पॉइंट किस बेस पर दिए हुए हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या जो हाँ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस पर ये एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन की दी हुई है। अब यहाँ देखो, मैंने आपको यहाँ सिक्स पॉइंट बताए हैं। इन सिक्स पॉइंट में आपको मैं दोबारा इनको क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट है कि ऑल मैटर इज मेडअप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। अपन ने पहले भी पढ़ा है कि मैटर जो है वो जब उसको अपन डिवाइड करते जाते हैं तो वो किससे क्या हो जाता है, एक अनडिविजिबल उसकी कंडीशन आ जाती है, और उस अनडिविजिबल कंडीशन को ही क्या कहा था, एटम कहा था। तो अपन पहले कह रहे हैं कि जो मैटर है, चाहे लाइक है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, सभी के सभी यानी ऑल मैटर जो है वो किससे मेडअप होता है, उस टीनी पार्टिकल से मेडअप होता है, यानी किससे मेडअप होता है, एटम से मेडअप होता है। और जो केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि टू और मोर देन जो एलिमेंट और कंपाउंड है वो कंबाइन होकर के और एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इस केमिकल रिएक्शन में भी कौन पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर एलिमेंट और कंपाउंड के नेम लिखे जाते हैं, नेम राइट किए जाते हैं, बट जो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, जो बॉन्डिंग जहाँ बन रही है, जहाँ बॉन्डिंग मेडअप हो रही है, वो किन के बिटवीन हो रही है, वो हो रही है एटम्स के बिटवीन। किसके बिटवीन हो रही है? एटम्स के बिटवीन वो क्या हो रही है, मेडअप हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है, क्या कहा है कि ऑल मैटर इज मेडअप ऑफ टिनी पार्टिकल्स एंड कोल्ड एटम्स एंड एटम्स आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और सेकंड क्या कह रहा है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, ये अपनी बात हो गई, जिसको केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये देखो, ये लाइन अपने पास में कहाँ आई थी, ये लाइन अपने को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आई थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहा गया था, यही कहा गया था कि जो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, और यहां पर क्या कह रहा है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी इसको एटम्स के रिलेटेड कह दी, वहां उसने मास के रिलेशन में कही थी। तो क्या हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये कंप्लीटली यहां क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। थर्ड अपन ने यहां बात इसने क्या कही कि एटम जो है, जो भी गिवन एलिमेंट के जो भी एटम्स हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और आइडेंटिकल किस में होते हैं, मास में आइडेंटिकल होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आइडेंटिकल होते हैं। जैसे कि लाइक एज में बात करूं, जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, अब हाइड्रोजन के जितने भी जो एटम्स हैं, अब हाइड्रोजन में कितने एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, तो सभी जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनका मास जो है, मास कहाँ होता है, मास तो एटम का होता है, तो इसलिए सभी जो है हाइड्रोजन के जितने भी जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे मास में, यानी हाइड्रोजन का मास 1 μ होता है, तो सभी जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनका जो मास है वो कितना होगा, 1 μ होगा। ये नहीं है कि हाइड्रोजन के किसी दूसरे एटम का तो मास, एक एटम का तो 1 μ है और दूसरे एटम का जो मास है वो क्या हो गया, 2 μ हो गया या 3 μ है, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ क्या कहा है कि एलिमेंट यानी एक गिवन एलिमेंट के जितने भी जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, किसमें, मास में, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसकी वो भी क्या होती है, सेम होती है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो बोथ जो एलिमेंट के जो एटम है ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इनका मास भी डिफरेंट होगा। अब हाइड्रोजन का मास जो 1 μ होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, तो दोनों का मास क्या नहीं होगा, इक्वल तो नहीं हो सकता, चाहे वो एक कंपाउंड के अंदर भले ही आ जाए, एक कंपाउंड जो है कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, बट उनका जो मास है उस मास में क्या नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मास जितना उनका जो है उतना ही उनका मास रहेगा। ओके, तो वो क्या होगा, डिफरेंट उसका मास होगा और डिफरेंट ही उसकी क्या होगी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो होगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है कि वो सेल्फ बर्न होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि वो हेल्पफुल होती है बर्निंग के अंदर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है दोनों की क्या रहेगी, अलग अलग ही रहेगी। ठीक है, हाँ ये जरूर है, कंपाउंड में जब मिक्स हो जाता है तो दोनों की प्रॉपर्टी चेंज होकर के एक प्रॉपर्टी बन जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि उसको फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज में लिया जाता है, यानी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों ही क्या होती है, हाइड्रोजन सेल्फ बर्न होती है, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्पफुल होती है, बट उससे जो मेडअप है वाटर H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मेडअप क्या होता है, वाटर, उस वाटर का यूज जो है वो किस में किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज में लिया जाता है, यानी कि आग को बुझाने में यूज में लिया जाता है। बाय मिस्टेक मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड जो है वो यूज में ले लिया था। अब सेकेंड
फोर्थ के बाद में अपन बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट कि एटम्स कंबाइन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल होल नंबर। अपन ने जनरली पहले भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में अपन ने देखा था CO2 का अपन ने क्या लिखा, जब अपन ने इसको प्रोपोर्शन लिखा तो मैंने इसको लिखा 3:8। ठीक है, अपन ने इसको ये तो नहीं है कि इसका 3:1 की जगह 1:2.67 लिख दे, ये इसका कभी राइट नहीं होता है। यानी किस में लिखे जाते हैं, ये ओनली स्मॉल होल नंबर के अंदर लिखे जाते हैं जब अपन इसको क्या करते हैं, कंपाउंड इसे फॉर्म करते हैं। ओके, फिर कह रहा है सिक्स पॉइंट में द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन गिवन कंपाउंड। यानी कि जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड है वो कंपाउंड फॉर्म होता है तो उस कंपाउंड के अंदर जो भी उस एटम्स के जितने भी जो रिलेटिव नंबर्स होते हैं वो नंबर्स उसके अंदर क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ ये कार्बन है, इसमें कार्बन के यहाँ 1000 एटम्स थे, तो पहले कार्बन प्लस O2, यहाँ कार्बन के 1000 एटम्स थे, तो ये नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया तो वो एटम्स का जो नंबर थे वो नंबर गायब हो गए, नंबर क्या रहेंगे वो सेम रहेंगे। उस एटम के जो काइंड्स हैं, जो प्रॉपर्टीज है, वो क्या रहेगी उसके अंदर, सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक की जो बात है ये क्या थी, अपनी एटॉमिक थ्योरी थी। और इस एटॉमिक थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, इस थ्योरी को दिया था, थ्योरी इज गिवन बाय जॉन डॉल्टन इन 1808। यानी आफ्टर, यानी जो ग्रीक फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर्स तो थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या नहीं कहा था, महर्षि कणाद जो था, पकुदा कात्या में डेमोक्रेटिस, ल्यूसिफस जो थे, उन्होंने तो जनरली ये कहा था कि एटम्स जो वो इंडिविजिबल होते हैं और उन्होंने उनको परमाणु कह दिया, डेमोक्रेटिस ने उनको एटम कह दिया। बट जो केमिकली जो एक्सप्लेनेशन जो आया, यानी जो एक्सपेरिमेंटली जो एक्सप्लेनेशन जो आया, वो एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा दिया गया, जॉन डॉल्टन के द्वारा दिया गया, कब, 1808 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि टू क्वेश्चंस यहां नेक्स्ट में दिए हुए हैं। फर्स्ट टू क्वेश्चंस तो मैंने आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ में एक्सप्लेन कर दिए थे। उसके बाद में सेकंड थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट जो है वो एटॉमिक थ्योरी के कौन से पार्ट में है, तो देखो अभी अपन ने पढ़ा था सेकंड पार्ट, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। और फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रपोर्शन। ठीक है, कि इनमें से कौन सा जो है पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है, डाल्टन्स की एटॉमिक जो थ्योरी है उसका कौन सा पॉइंट है वो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखो यहां पर कौन सा कर रहा है, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन से रिलेटेड है। ओके, तो यहां अपनी जो बात है, ये जो अपना पॉइंट है, ये पॉइंट एटॉमिक थ्योरी, ये यहां पर क्लियर हुआ। यदि आपको इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए और वहां पर आपका जो डाउट है उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। यदि नीडेड हुई तो नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर भी आपका जो डाउट है उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि जो एटम्स है वो एटम्स कितने बिग होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, फिर अपन देखेंगे कि मॉडर्न डे में उनको किस प्रकार से जो सिंबल हैं वो सिंबल प्रोवाइड करवाए हुए हैं। जैसे मैंने आपको टेबल के अंदर जो सिंबल्स राइट करवाए थे, वो जो सिंबल हैं वो सिंबल किस टाइप से दिए गए, उन सिंबल्स को किसने दिया और क्या उनके जो सिंबल्स को जो दिया जा रहा है उनके रूल्स क्या हैं, कौन सी जो संस्था है कार्यरत है जो कि सिंबल्स, उनको सिंबल्स प्रोवाइड करवाती है एटम्स को, या जो एलिमेंट्स अपन कहें उनको, ये सभी जो स्टडी है ये स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।